हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। देयर आर 5 कॉमन स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में 5 कॉमन स्टिमुलाई होते हैं और वो हैं लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच। और इन्हीं 5 स्टिमुलाई की वजह से हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म होते हैं और वो हैं फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा फोटोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि प्लांट पार्ट का ऐसा मूवमेंट जो कि लाइट के रेस्पॉन्स में हुआ हो, हम उसे उस मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो प्लांट है ये सनलाइट की तरफ रेस्पॉन्स कर रहा है, सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, सनलाइट की तरफ ग्रोथ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको पता है सनलाइट जो है हर प्लांट के लिए जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो इनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये खाना नहीं बना सकते और ग्रोथ नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है इस तरफ मूव कर रहा है और इस मूवमेंट को हम जो है क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। और इसी तरफ दूसरी इमेज में भी वही चीज़ हो रही है, वो जो प्लांट है वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है। और दूसरा ट्रॉपिज्म है जियोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, यानी कि प्लांट पार्ट का ऐसा मूवमेंट जो कि ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में हुआ हो, यानी ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में हुआ हो, हम उसे कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले स्टेम को लेते हैं, आप इस स्टेम को देख सकते हैं, हमने इस प्लांट को उल्टा कर टेढ़ा कर दिया है, फिर भी इसकी जो जड़ है वो नीचे की तरफ जा रही है, वो जो है ग्रेविटी की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको पता है कि जो पानी है वो हमें ग्रेविटी की तरफ मिलेगा। सबको पता है पानी जो ज़मीन पर होता है, तो इसलिए ये ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है। और इसी तरीके से ये जो स्टेम है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि इनको भी पता है कि जो इनको जो सनलाइट मिलेगी वो ऊपर की तरफ मिलेगी, वर्टिकल, नीचे तो मिलने नहीं वाली, ज़मीन पे तो सनलाइट मिलेगी नहीं, ऊपर मिलेगी, इसलिए ऊपर मूव कर रहा है। और पानी जो नीचे मिलेगा तो ये जो है नीचे मूव कर रहा है। तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रहा है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो रहा है। और दूसरा जो ट्रॉपिज्म है वो है केमोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड केमोट्रॉपिज्म। तो किसी प्लांट पार्ट का ऐसा मूवमेंट जो कि किसी केमिकल स्टिमुलस की वजह से, केमिकल स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में हुआ हो, हम उस मूवमेंट को कहेंगे केमोट्रॉपिज्म। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जो है इस ओव्यूल की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ जा रहा है। पॉलन ट्यूब बिगिंस टू ग्रो एंड मूव डाउन टुवर्ड्स ओव्यूल, मेल न्यूक्लियस मूविंग डाउन द पॉलन ट्यूब, यानी जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है उसे मेट करने के लिए। तो ये इसकी तरफ किस तरफ जा रहा है, ये केमिकल की तरफ जा रहा है। और तो ये जो मूवमेंट है ये हमारा केमोट्रॉपिज्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो केमिकल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है, उसके रेस्पॉन्स में हो रहा है, यानी ये रेस्पॉन्स दे रहा है अपना इसकी तरफ मूव करके अपना रेस्पॉन्स दे रहा है। तो ये जो है ये केमोट्रॉपिज्म में आएगा। इसी तरीके से फोर्थ ट्रॉपिज्म है हाइड्रोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी कि प्लांट पार्ट का ऐसा मूवमेंट जो कि वाटर के रेस्पॉन्स में हुआ उसे हम कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो प्लांट है, जो पौधा है, ये पानी की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इसको सबके, क्योंकि प्लांट के लिए पानी जरूरी होता है, तो वो पानी की तरफ ये इसलिए मूव कर रहा है। तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसी तरीके से दूसरी इमेज में भी यही है, एक सीड है जो कि इस दूसरी तरफ रखा हुआ है और एक तरफ वाटर है, और ये जो सीड है ये वाटर की तरफ मूव कर रहा है, उसकी तरफ ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इसके लिए पानी जो है बहुत ज़रूरी है। और फिफ्थ ट्रॉपिज में हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म। तो डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म, यानी कि किसी प्लांट पार्ट का ऐसा डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि किसी ऑब्जेक्ट के टच के रेस्पॉन्स में हुआ हो,
यानी कि यहाँ पर जो स्टेम टेंड्रिल है आप देख सकते हैं, जो इसे हम हिंदी में कहते हैं बेल, और ये जो है ये किसी न किसी चीज़ का इसको सहारा चाहिए, नहीं तो ये जो है ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ वीक स्टेम, बहुत वीक होती है, इसलिए ये अपना खुद इस किसी पौधे की तरह या इस बेम्बू की तरह सीधे सीधे ग्रो नहीं हो सकती, इसलिए इसको सपोर्ट चाहिए। तो इसने जो है सपोर्ट लेने के लिए जो स्टेम टेंड्रिल है ये मूवमेंट कर रही है इसकी तरफ, बेम्बू की तरफ, इस बांस की तरफ, ताकि ये जो है इससे सपोर्ट में रह के सीधा खड़ी रहे। तो ये जो मूवमेंट हुआ है यहाँ पर स्टेम टेंड्रिल का, ये भी हमारा आएगा थिग्मोट्रोपिज्म में। इसी तरीके से दूसरी इमेज भी वही है। तो आज आपने जाना 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म के बारे में। अगर आपको समझ में आ गया हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें पूछिए अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट में, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।